हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि ब्लॉग्स। ये हमारा पांडिचेरी का तीसरा ब्लॉग है और ये जो दिख रहा है ये हमारा रूफटॉप रेस्टोरेंट था हमारे होटल का। तो वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग रेडी हुए। हमारे होटल में ही स्विमिंग पूल था तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने स्विमिंग पूल में एंजॉय किया। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। यहाँ पे मैं स्विमिंग करते हुए मुझे आती नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे पानी में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था तो पानी में अच्छा लग रहा था। ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ स्विमिंग करने की, नीचे पैर लगा के मैं स्विमिंग कर रही हूँ। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, आपको देख के पता चल रहा होगा। ये मैं ट्राई करती हूँ स्विमिंग करने का। हाँ, ये देखिए, इन्होंने जो है पानी में पूल में काफ़ी एक्टिविटीज़ की, जिसके बाद इनके कान में पानी भी चला गया था और इनको मेडिसिन लेनी पड़ी थी। हाँ, इसी के बाद इनके कानों में पानी चला गया था, लेकिन इन्होंने फुल एंजॉय किया। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था तो मैं एंजॉय नहीं कर पाई। ये हो रहा है हमारा पूल में एंजॉय, स्विमिंग पूल में एंजॉय। इसके बाद हम लोग रेडी होके बीच पे निकल गए। ये है रॉक बीच, हम लोग रॉक बीच पे गए। वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद वहीं पास में एक लेक कैफे है और वहाँ पे हम लोगों ने सैंडविच खाई, जो कि ये है। और इतनी अच्छी सैंडविच, आप लोग अगर जाएँ वहाँ पांडिचेरी लेक कैफे तो ये वेजिटेबल सैंडविच ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी थी और हाँ, इतनी पसंद आई मुझे कि मैं दोबारा से गई ले कैफ़े वही सैंडविच खाने के लिए। तो मैं दोबारा से मैंने इसको इन्जॉय किया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी। और फीलिंग भी आपका, ये एक सैंडविच में ही आपका पेट भर जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ ली और वहीं पर इन्जॉय किया। फिर थोड़ी देर के लिए रूम पे आई और ये हमारे रूम में झूला लगा हुआ था जिस पे बैठ के थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया क्योंकि थक गई थी। इसके बाद शाम हो गई, शाम में थोड़ा सा बाहर गए हम लोग डिनर वगैरह के लिए और वॉक के लिए। ये हम लोग के जो फोरहेड पे टीका लगा हुआ है, इसके पीछे एक कहानी है। वहाँ पर हम लोग रॉक बीच पे शाम को बैठे हुए थे, वहाँ पे कुछ किन्नर आ गए जिन्होंने टीका लगाया और वो टीके के बदले में हम लोगों से कुछ रुपए ले गए। वो ज़्यादा लेने की कोशिश में थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 150 ही दिए और ये टीका हमारा 150 रुपए का महंगा पड़ा। उसके बाद घर आ गए। फिर ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है शायद, हाँ नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। ये हमारा रूम है और रूम में झूले पे बैठ के मैं अपनी ग्रीन टी इन्जॉय कर रही हूँ ग्लास में। और प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैंने कांच के ग्लास में ग्रीन टी पी रही हूँ और आप लोगों को कुछ और लग सकता है। ये ग्रीन टी है मेरे हाथों में, मैं इन्जॉय कर रही हूँ और झूले पे बैठी हुई हूँ। ये हमारा रूम था, काफ़ी अच्छा रूम था और जिस हिसाब से महंगा था उस हिसाब से तो सही था क्योंकि सब कुछ था रूम में। ये हमारा सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि इस दिन हमें चेकआउट करना था, हम लोग दूसरे होटल में जा रहे थे तो यहाँ पे सामान पैकिंग हो रही थी। ये हमारी कुछ तस्वीरें हैं रॉक बीच की, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में अपने सजेशन या जो भी हो राय वगैरह
वो आप ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारे ब्लॉग्स और इम्प्रूव हो सके।